रोलिंग। बंटी बंटी उठ जा, गुड मॉर्निंग। सोने दो ना बेना। बेना बेना आप लंदन से कब वापस आए? कल रात ही आई, मॉम डैड के लिए भी एक सरप्राइज था। ओह वाह, आपको बहुत मिस किया मैंने। जानती हूँ, मेरे बिना तो तू बोर हो जाता होगा ना। ओ प्लीज बेना, पूरा रूम मेरा, टीवी के रिमोट के लिए किसी से झगड़ा ही नहीं होता था, बस होमवर्क खुद करना पड़ता था, इसलिए आपको मिस किया। अच्छा, लेकिन मम्मी तो मुझे फोन पर कुछ और ही बता रही थी। किस तरह तू रक्षाबंधन के दिन रो रहा था। ओ ये मम्मी भी ना सब कुछ आपको बता देती है। आपको मेरी याद नहीं आई वहाँ पर? रोज आती थी पगले। इतनी सुकून की आदत नहीं है ना मुझे बचपन से। हाँ हाँ, वेरी फनी। अच्छा बताओ मेरे लिए क्या लेके आए हो? नहीं, क्या लाना था? ओ हेलो, वो नीतू की बहन यूएसए आई तो उसके लिए बैग भर भर के गिफ्ट लाई थी। आप कुछ नहीं लाए मेरे लिए? ओए सॉरी ब्रो, पर मेरा ये प्लान इतना जल्दी बन गया कि मुझे शॉपिंग करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ पता था, ठीक है। लेकिन मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। ये एनवलप, मैं यूरोस और पाउंड्स का क्या करूँगा? मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है इसे एक्सचेंज करवाने के लिए। हे भगवान, ये लड़का, एनवलप खोलने से पहले ही तुझे पता चल जाता है इसके अंदर क्या है। अरे यार खोल के तो देख इसे। हाँ हाँ, आई एम गोइंग टू यूरोप। हाँ बच्चू, कैसा लगा सरप्राइज? अब बता, नीतू की बहन बेटर है या तेरी? कोई कंपटीशन ही नहीं बहना, आई लव यू बहना। कोई थी वो जापानी छोकरी, नाम कोई? अब बता बच्चू। पेपर पेपर साउंड वन में ओके। हाँ अच्छा लगा ना सरप्राइज। अब बता बच्चू, नीतू की बहन है इन्हें आटा वाले का सुकून की याद। हाँ फंबल था वो तो अटकी जाओ, क्योंकि यहाँ फंबल छपाई जैसे ना, इतना।